guys, welcome back to my channel. It's me, Yasa. Welcome. Morning, guys. आज मुझे अभी कॉलेज और होगी late. पता नहीं यार क्यों मेरे साथ ये सारे late क्यों बन रहा है. गाइस देखो मोर कितने पास. मेहनत तो मसाला डोसा इतनी मेहनत के बाद मिला गाइस. कम से कम ढाई घंटे बाद, नहीं सॉरी आधे घंटे. ऐसे वही लड़ रही थी ना लड़कियाँ. गाइस पहली बार कैंटीन से खाना लिया और उसमें इतनी भीड़ लड़की ऐसे लड़ रही थी बहुत ही भयंकर तरीके से. मेहनत के बाद मिलाया अपना मसाला डोसा. बनाने की तो अलग ही मेहनत होती है. आज के बाद मैं तो कभी नहीं लूँ कैंटीन से खाना, कभी भी नहीं. एनसी रैप के लिए भी होता है क्या ऐसा कुछ शायद. तो गाइस अभी हम आए थे अपनी लाइब्रेरी देखने, बहुत ही छोटी सी है पर अच्छी है. मैं भी इंट्रो शूट कर लूँ. हे गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड मेरा नाम है आराधना और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है. पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ कई बार बनाने की बट नहीं बनता. बहुत अच्छी है. अभी हम लाइब्रेरी के बैक एरिया में. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. अभी हम जा रहे हैं अपनी क्लास में उनके ब्रेक में. और ब्रेक में हमने खाया, ब्रेक से ज़्यादा टाइम ले लिया हमने खाने में. और क्या खाया? इन्होंने खाया मसाला डोसा, मैंने खाया छोटी. भाई मसाला डोसा के चक्कर में तो गाइस मसाला डोसा के चक्कर में तो हम भी बहुत ही देर, हम कहीं घूम ही नहीं पाए. खड़े खड़े इतनी भीड़ थी, लग रहा था हमारे ऊपर ही ना गिरा दे खाना. भाई इतनी भीड़ पहली बार मेरी इतनी भीड़ लगी कॉलेज. और मैंने तो पहली बार लिया था भाई. मैं तो भीड़ की वजह से जाती भी नहीं थी पर आज लेना पड़ा क्योंकि मैं ला. नहीं मैं हर बार लेती हूँ, आज मैं घर से ले गई. अच्छा हुआ आज घर से लाई और मैंने लाई थी इसलिए लेना पड़ा. तो बहुत बुरा लगा मुझे. मैंने थोड़ी भेदभाव हो यार. ये देखो ये है हमारे कॉलेज का कौन सा एरिया, ये नहीं पता. बी सेंट्रल वाला एरिया है यहाँ पे. स्टेज नीले टाइम मिला तो चला ही है. हम जो है बंक नहीं करते अपनी क्लास से, हम जा रहे हैं अपनी क्लास अटेंड करने. दोनों के दोनों अभी बोरिंग क्लास है. दोनों बोरिंग क्लास है. एक चार घंटे बोरिंग क्लास अटेंड करनी है. दोनों बहुत बेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वो बेस्ट होती है. और दोनों लास्ट की दोनों बोरियत होती है बहुत. नींद आती है नींद गंदी वाली, बहुत ज़्यादा वाली. हिंदी वाले के लिए तो रोना निकल जाता है, पसंद वाले नहीं गया. एक दो तीन बार तो मुझे उनके पीरियड में इतनी भयंकर नींद आई. बहुत ही गई मुझे उनके पीरियड में नींद दिया. ये बच्चे तो निकल रहे बस आगे के ही बच्चे हैं. यही बात है. ये पेंटिंग है शायद, ये हाथ से बनाई हुई है. ये ना हाथ से बनाई हुई है गाइस, लग नहीं रहा पर प्यारी है. मैंने नहीं बनाया. हो गई हमारी छुट्टी और अभी हम घूम रहे हैं दोनों. मतलब थोड़ा सा मुझे घर जाना है पर ये लड़की रेडी नहीं है. थोड़ा सा यार, थोड़ा सा घूमना तो बनता ही है.
5 मिनट तो घूम सकती है। मैंने पापा को बोला, बोल रही थी मैं आ रही हूँ। तो गाइस चलते हैं अब घर। असि चल रहे हैं अपने घर। थोनू पंजाबी आती? नहीं, मैं तो आती है टूटी फूटी। फोटो खींचने लगा हूँ, हमें तो कोई पोज नहीं आता देना। और लड़कियाँ भाई कितने अच्छे अच्छे पोज देती है यार। मेरे को बस ये आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता पोज देना। तो गाइस चलते हैं अपने घर। यहाँ का ना गार्डन एरिया बहुत अच्छा है। आपके यहाँ पे ना गार्डन नेचर बहुत अच्छा है, सुंदर। चिड़िया उड़ गई यार। ये मोर कहाँ गया? सुबह तो था यहाँ पे। गाइस सुबह ना मैंने यहाँ पे मोर देखा था। गेट भी इतना प्यारा सा सुंदर सा, बड़े पहली बार देखा था मैंने ना, बहुत ही पास से। वरना देखा है बहुत ही दूर से, पर इस बार देखा मैंने बहुत ही पास से मोर। गाइस आज मैंने पहली बार खुल के ब्लॉग करा, थोड़ा सा, पर और अच्छे से खुल के ब्लॉग करेंगे अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा है तो। जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना। आराधना चौहान यूट्यूब चैनल, हो सकता है मैं नाम चेंज कर दूँ। इसको भी कर देना गाइस सब्सक्राइब अगर कोई करेगा तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके गाइस, यार मुझे तो बोलना भी नहीं जाता, मैं तो ठक जाती हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब बोलना तो वैसे फ्लुएंटली बोलना चाहिए। ऑफ कैमरा कुछ भी बोल लो। इंट्रोवर्ट हूं लेकिन अच्छा ब्लॉग करती हूं पहली बार। ऑफ कैमरा कुछ भी बोल लो, पर जैसे कैमरा ऑन करो ना तब नहीं आते वर्ड के, क्या बोलना है कुछ नहीं आता। तो गाइस अभी हो गई लेट, तो अभी चलते हैं जल्दी घर, है ना। और घर पे जाके खाएंगे खाना। मैं तो सोऊंगी नहीं, पर भाई आज के खाने से याद आया, आज के बाद कभी ना कैंटीन में नहीं खाना बिल्कुल भी। तो गाइस पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी लड़कियां ऐसी हरकतें करती है, बहुत ही गंदी वाली हरकतें करती है। जबकि खाना भी दिया किसी किसी के ऊपर, पता आपने देखा होगा इतनी। एक की सैंडल टूट गई, एक की पूरी ड्रेस गंदी होगी, दो तीन की ड्रेस गंदी होगी। और भीड़ भाई भीड़ बहुत थी। मैंने खाऊ आज के बाद कैंटीन का खाना। खाना तो अच्छा है पर हाँ, पहली बार हुआ है आज ये भीड़ थी। अभी पहले मैंने कितनी बार खाया? मैं पहली बार ही गई थी, पहली बार में ही ऐसा हुआ। मैं कैंटीन में हर बार खाती हूँ, आज मैं घर से लाई। अच्छा हुआ घर से लाई, आज मैं घर से नहीं लाई थी, आज मेरे साथ ऐसी हुआ। और मैं हर बार मसाला डोसा खाती हूँ, मेरा फेवरेट। आज का डोसा मुझे महंगा पड़ गया, 50 रुपये का। पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया, हम कहीं घूम भी नहीं पाए। गाइस गई मेरी फ्रेंड और अब मैं भी चलती हूँ घर। जल्दी चलेंगे अपना, जल्दी से पहुँच जाओ। थैंक यू। पूरे जगत में से घूम के आ गए, पर से वीडियो देखो हालत खराब हो जाती है। मम्मी ने दे दी ब्रेड रोल, चाय और सॉस। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।